हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं नोबल पुरस्कार 2019। जो 2019 के पुरस्कार हैं किन्हें मिले हैं, विशेष क्या क्या है इसमें, और चिकित्सा में कितने मिले हैं, भौतिक में कितने मिले हैं, रसायन में कितने मिले हैं, शांति में कितने मिले हैं, साहित्य और अर्थशास्त्र में। कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन बाकी जो मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, आप मेरी आवाज़ सुन के उसको रीड करने की कोशिश करें और लिखने की कोशिश करें। तो देखिए, पहले अगर बात करते हैं अपन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अभिजीत बनर्जी को मिले हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के। इसके अलावा अर्थशास्त्र में दो को और मिला है, जो फ्रांस और अमेरिका गए। तो इनको किस लिए पुरस्कार मिला है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक जो दृष्टिकोण था उसके लिए उनको पुरस्कार मिला है। साहित्य में बात करें तो साहित्य में पीटर हेडके को मिला है, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इनको मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने के कार्य हेतु दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें 2018 साहित्य में, तो अलका टकाचुर को पोलैंड के रहने वाले, इनको मिला है, 2018 की ये बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात करें तो शांति में, तो शांति का जो पुरस्कार है वो नोबल पुरस्कार अबी अहमद अली को मिला है, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री। किस लिए मिला ये महत्वपूर्ण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और खासकर शत्रु देश एरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है, शांति का नोबल पुरस्कार, शत्रु देश के साथ शांति स्थापित करने के लिए। अब जो तीन बचे हैं, चिकित्सा, भौतिक और रसायन में, तो देखिए चिकित्सा में भी तीन लोगों को मिला है, भौतिक में तीन को, रसायन में तीन को। लेकिन चिकित्सा में जो तीन लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो पहला विलियम जी कुलियन जूनियर ग्रेन सेमेंजो, दोनों यूएसए के हैं। पीटर जे रेडक्लिफ, ये ब्रिटेन के। इनकी क्या विशेषता रही, किस लिए मिला इनको, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती हैं, वो उनके अनुकूल बनाती है, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिला है। भौतिकी में तो जेम्स पाबेल अमेरिका के हैं, मिशेल मेयर और डिडियर क्लेजोलोज, ये स्विट्जरलैंड के हैं। क्या विशेषता रहेंगी, तो ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांतों, सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। रसायन में अगर अपन बात करें, रसायन में भी तीन लोगों को पुरस्कार मिला है, शांति का रसायन का पुरस्कार, नोबल पुरस्कार 2019। तो जान बी गुडिक इन्हें अमेरिका के हैं, स्टेनली विटकम ब्रिटेन के, अकीरा येशिनो जापान के। क्या विशेषता रही, तो लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए इनको ये मिला है। तो 2019 के जो नोबल पुरस्कार है, जो महत्वपूर्ण मैंने लिखे भी हैं यहाँ, जो चिकित्सा भौतिक रसायन मैंने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। और जितने भी पुरस्कार है सब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।